इतना आज की टेक न्यूज में लेके आ जाऊँ, आज की टेक न्यूज में हमेशा इतना काफ़ी इंटरेस्टिंग मजा आने वाली है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों आज की टेक न्यूज स्टार्ट करने से पहले चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और ऐसे और इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। और दोस्तों वो जो मैंने आपको कल दिखाया था, आई थिंक ये हमारा 10 सब्सक्राइबर वाला, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, झलक दिखा दिया मैंने आपको। और ऐसे 100 सब्सक्राइबर वाला हमने अपना कस्टम बनाया है और उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाएंगे हम, लेकिन हमें 1 लाख वाला चाहिए जो यूट्यूब हमें देता है, वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। और वो वीडियो दे रहा हूँ आपको, अच्छी क्वालिटी भी दे रहा हूँ, वीडियो की ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी दे रहा हूँ, न्यूज़ तो भाई जो सब दे रहे हैं वही मैं दे रहा हूँ, तो भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? तो खैर कोई बात नहीं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये बात करें सबसे पहले ओप्पो के, दोस्तों ओप्पो फाइंड है जिसका हम सब काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था, वो आज ओप्पो ने अनाउंस कर दिया है। और दोस्तों अगर हम दूसरे फोल्डेबल्स की बात करें तो वो मैं फ़ोटो नहीं दिखाऊंगा आपको, बहुत दिक्कत हो जाएगी वरना। तो अगर हम दूसरे फोल्डेबल्स की बात करें तो उनकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है, ना कि विड्थ, उनकी विड्थ कम है, लेंथ ज़्यादा है। लेकिन ओप्पो ने इस बात को समझा, उसने काफ़ी अच्छा फ़ोन बनाया है जिसकी विड्थ ज़्यादा है और लेंथ मतलब स्क्वायर शेप खेल सकते हैं, तो वो अनफोल्ड होगा तो शायद स्क्वायर हो जाए वो, इस तरीके का वो फ़ोन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 7.1 इंच की एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी अंदर की साइड, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बाहर की साइड एक साइड से फ्लैट है जहाँ पर उसकी इंजेस होती हैं, और इस साइड से थोड़ी राउंडेड है जहाँ पर काफ़ी अच्छे कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं। सारे दोस्तों हमें इसके अंदर 18:9 का आपको आउटर स्क्रीन का एयर रेशियो देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर हम दूसरे फ़ोन्स के हिसाब से देखें जो और फोल्डेबल फ़ोन्स टाइम मार्केट हैं, तो उनके कंपैरिजन में इसकी डिस्प्ले है, उसके बीच में जो हिंज होता था आप उसे फोल्ड करते हैं तो या अनफोल्ड करते हैं, जब डिस्प्ले ऑन होती है तो भी आपको थोड़ी एक लाइन दिखती है, तो ऐसे इस ओप्पो में फोल्ड अनफोल्ड होकर स्क्रीन ऑन हो जाएगी तो वो लाइन आपको नहीं दिखेगी। और ओप्पो क्लेम करता है फाइंड एन को अगर आप दिन में 100 बार खोलते हो 5 साल तक लगातार, दिन में 100 बार खोल बंद फोल्ड एंड फोल्ड एंड फोल्ड एंड फोल्ड जो भी है, तो आप उसे करते हो लगातार 5 साल तक तो भी उसके हिंजेस ख़राब नहीं होने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इसके अंदर आपको 33 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा, और ये आपका 60° 120° एंगल पर सेट हो सकता है फ़ोन ऑटोमेटिकली, तब आप उसे करोगे तो उस एंगल में चला जाएगा। साथ ही दोस्तों जो अंदर आपको स्क्रीन देखने मिलती है वो एमोलेड डिस्प्ले वाली है, जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो 1 हर्ट्ज़ से लेकर 120 हर्ट्ज़ तक, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही बात लगी। और ब्राइटनेस में उसे निकलने वाला था, सही है मैं बताने वाला हूँ आपको, ये फ़ोन के अंदर आपको 1000 निट्स की ब्राइटनेस मिलने वाली है फोल्डेबल फ़ोन के अंदर, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे और काफ़ी ज़्यादा सही फ़ोन लगा मुझे। चार दोस्तों बाहर वाली डिस्प्ले की बात करी जाए तो 5.49 इंचेस की है, वो भी एक एमोलेड पैनल है जिसके अंदर गोला लगा विक्टर की प्रोटेक्शन हमें देखने मिल जाती है, और जिसकी स्क्रीन PPI 402 है, और वो भी डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर हम रैम और स्टोरेज की बात करें तो रैम हमें LPDDR5 रैम में मिलती है जो कि 12 GB की है और 512 GB की UFS 3.1 हमें स्टोरेज देखने को मिलती है, रैम हमें LPDDR5 स्टोरेज 3.1। दोस्तों फ़ोन नो डाउट है काफ़ी अच्छा है, चार्जिंग भी ठीक है। कैमरे की बात करें दोस्तों आपको रियल में देखने मिलता है IMX766 सेंसर के साथ आने वाला 16 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 13 MP का टेलीफोटो, जो कि IMX481 सेंसर के साथ आपको देखने मिलता है। और आपको एक और कैमरा रियल में देखने मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। और ये फ़ोन और फोल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, पर जो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि थोड़ा इम्प्रूव हो सकता था इसके डिज़ाइनिंग के मामले में, लेकिन फ़ोन की बिल्ट डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। प्रोसेसर इसके अंदर आपको 888 देखने को मिल जाता है। सारा दोस्तों अगले फोन की तरफ बढ़ें, थोड़ा हम डिटेल में चले गए इसके अंदर, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा अगले फोन की तरफ बढ़ें जो कि आ रही है दोस्तों सैमसंग की तरफ। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M33 उसकी टाइमलाइन आ गई लॉन्च की, जनवरी में लॉन्च हो सकता है वो, न्यूज़ कम थी हम थोड़ा लंबे बोले हम, बिल्कुल ज़्यादा ही लंबा हो गया वो उसके लिए सॉरी। तो गैलेक्सी M33 5G M52 आया था अगस्त के आसपास शायद आया था, M51 पिछले साल अगस्त में आया था, दोनों ही काफ़ी अच्छे फ़ोन थे। M33 आने वाला है और ये सुनने वाला है जनवरी में आ सकता है, अब दोस्तों इनका इंतज़ार करते हैं। और सुनने में आ रहा है M33 UI 4 और Android 12 के साथ हमें देखने को मिलेगा, और बाकी आपको नॉ सिक्योरिटी वगैरह देखने को मिलेगी इसके अंदर,
तो देखते हैं फ़ोन कैसा होता है, क्या इसकी प्राइसिंग होती है और क्या हमें ये क्वालकॉम का प्रोसेसर देखने मिलता है या नहीं मिलता, वो तो हमें 1-1.5 महीने बाद पता चल जाएगा। उस अगले खबर की अगर बात करें वो आ रही है जियो की तरफ। जियो ने अपना 1 रुपये वाला रिचार्ज लेके आ गया है और आप माई जियो ऐप पे, अगर आप जियो के यूज़र हैं तो आप माई जियो ऐप पे जाएं, वहाँ 1 रुपये का रिचार्ज होगा उसे करें, आपको 100 MB मिलेगा और 30 दिन का वो उसकी वैलिडिटी होगी 1 रुपये में 100 MB। सही है यार, 10 रुपये में 1 GB, किसी को इंस्टेंटली 20 GB चाहिए, नहीं 2 GB चाहिए, 20 रुपये 2 GB चाहिए 20 रुपये, और 10 GB चाहिए 100 रुपये। सही है यार, लेकिन फिर भी 1 रुपये 100 MB ठीक ठाक है, प्राइसिंग सही है अपने सेलुलर जैसा ही है मामला। लेकिन हाँ थोड़ा 1 रुपये अगर वैसे अगर हम सेलुलर जो हम रिचार्ज कराते हैं वाईफाई के, उससे अब देखा जाए तो 1 रुपये बहुत महंगा है। और दोस्तों लेकिन हाँ ये ठीक है, 1 रुपये के हिसाब से चार्ज किसी को इमीडिएटली 100 MB चाहिए तो काफ़ी ज़्यादा सही है। सर दोस्तों अगली खबर की बात करें जो कि आज गूगल की तरफ से, दोस्तों आज गूगल की तरफ से दो काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं। एक काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ मैं, गूगल का एंड्रॉयड 12 आपको पता है अभी आया था रिसेंटली 1-2 महीने पहले, अब गूगल एंड्रॉयड 12 गो एडिशन हमें गूगल ने लेके आ गया है और वो हमें अगले साल जनवरी फरवरी के आसपास जो एंट्री लेवल फ़ोन्स होते हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलेगा। जैसे अभी 11 गो वाले फ़ोन्स अब आने शुरू हुए हैं, 12 गो वाले अगले साल प्रोबेबली फरवरी मार्च तक आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा गूगल एंड्रॉयड 12 से मैच करता है, लेकिन हाँ ये थोड़ा लाइटर वर्जन है उसका। साथ ही दोस्तों बात किया गूगल पिक्सल 6 सीरीज की, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन थे वो, लेकिन थोड़ा हीटिंग इशू था, उन्होंने टेंसर के प्रोसेसर थे, गूगल ने कहा इम्प्रूव करेंगे। लेकिन दोस्तों गूगल पिक्सल 6 है दोस्तों हमें उम्मीद है बस ये इंडिया में आए, और लोग कह रहे हैं टेंसर का प्रोसेसर याद आएगा, अगर टेंसर का प्रोसेसर है अच्छी ऑप्टिमाइजेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी मतलब मेरा कहना ये है क्वालकॉम का प्रोसेस कह रहा है 778G हो गया आपका 870 हो गया तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। और उस तो ऐसे चांसेस हैं कि इंडिया में आ सकता है गूगल पिक्सल 6 से, 4 आया था 30,000 के आसपास, अगर ये 40,000 के अंदर भी आता है तो काफ़ी ज़्यादा सही फ़ोन होगा ये पिक्सल 6 है। पर्सनली आईफोन से ज़्यादा तो मुझे गूगल पिक्सल के फ़ोन पसंद है। दोस्तों अगर बात करिए पिक्सल 6 की, तो इसके कुछ कवर्स बैक केस वगैरह लिस्ट हुए हैं दोस्तों, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये फ़ोन इंडिया में आ सकता है, और देखते हैं क्या इसकी प्राइसिंग होती है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। अगर टेंसर का प्रोसेसर है, वेल ऑप्टिमाइज्ड है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो मैंने आपको कल भी बताया था आईफोन SE 2022 जो आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा कलर वेरिएशंस, काफ़ी अच्छे फीचर्स स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं, डुअल कैमरा मिल जाए तो क्या ही कहना है। तो उसके बारे में कल आपको बताया था कि एप्पल ने कहा है वो एंड्रॉयड यूजर्स को अट्रैक्ट करेगा, उसे कलर्स ने तो मैंने पर्सनली अट्रैक्ट कर लिया, फीचर्स और बाकी हैं, बाकी पिक्सल 6 है और आईफोन SE 2022 अगर दोनों इंडिया में आते हैं, आईफोन का पक्का अगर 6 आता है तो इन दोनों के बीच काफ़ी कड़ा कंपटीशन रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली टेक न्यूज़ में, अगर आज की टेक न्यूज़ आपको पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जितना हो सके, इस वीडियो को शेयर करिए, लास्ट लाइन थोड़ा तेज़ बोलने में मज़ा आता है। और दोस्तों आप में बहुत लोगों ने मुझसे कहा है आपको समझ में नहीं आता मैं क्या बोलता हूँ, भाई इससे हल्के क्या बोलूँ मैं। तो दोस्तों मिलते हैं टेक न्यूज़ में, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, टेक रिलेटेड ही होना चाहिए तो उनके ऊपर आपको काफ़ी जल्दी हम वीडियो देंगे, और इसके ऊपर वीडियो आपको कब चाहिए भी आप मुझे कट करके बता सकते हो, मैं दिखा दूँगा आपको अच्छे से, तो मैं आपको पहले दिखाऊँगा, आप बैक से देख सकते हो, अभी थोड़ी पैकेजिंग हो रखी है इसकी, और सामने से देख लिया ये खुद हमने डिज़ाइन करा है, सेम वही लैंग्वेज लिखी जो यूट्यूब लिखता है, फॉन्ट भी वही यूज़ किया है हमने जो YouTube यूज़ करता है, हमने प्ले बटन पे सिल्वर प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन पे वही हमने सब यूज़ किया है फॉन्ट, लेकिन हमने सिर्फ ये पेपर सर्टिफिकेट टाइप बनाया। तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।